हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी 11 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे करौंदा होता है ना, जो मैंने आपको पहले बताया है, उसी का मम्मी अचार बनाने जा रही हैं। तो मम्मी ने कट करके रखा था, बट उसमें बीच बीच में ना बीज होते हैं, मतलब सीड्स होते हैं, उसी को मैं निकाल रही हूँ। और पीहू ऊपर बैठी हैं दीवान पर, वो बैठी हुई कुछ अपना राइम सुन रही है। फ़ोन रखा हुआ है टैडी के ऊपर, आपको दिख रहा होगा शायद, और वो बैठी हुई है पीछे, तो वो राइम्स सुन रही थी और मैं उससे बीच बीच में बातें भी करती जा रही थी। तो मैंने कहा मम्मी कुछ काम कर रही हैं, चलो मैं ये करौंदे के सीड्स जो है निकाल दूंगी, मम्मी आज इसका अचार बनाने वाली हैं, तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे इसके बीज निकाल रही हूँ। और आज मम्मी ने सिंघाड़े का अचार बनाया है। इसके पहले मैंने आपको मिर्ची का अचार दिखाया था और करौंदे का अचार भी आज बनाया है और साथ में आंवले का अचार भी है। तो मतलब तीन अचार आज मम्मी ने बनाए हैं। मिर्ची का अचार कल बना लिया था, तो मैं दिखाऊँगी अभी आपको कि कैसा बना हुआ है अचार। अभी तो बस मेरा ये करौंदा जो है वो निकल गया है, एडिटिंग में बाद में कर रही हूँ, तो मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो आपको बता देती हूँ। और अभी यहाँ पर दोपहर हो गई है, 12:30 बजे के आसपास का टाइम है, तो मम्मी यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी, तो बस ज़रा सा मैंने व्लॉग कर लिया है। और चलिए, मम्मी रोटी बना रही हैं और मैं मिलती हूँ आपको कैमरे के आगे आकर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने अभी अपना फ़ोन सेट कर लिया है ट्राईपॉड पे अच्छे से, और अभी आफ्टरनून हो रहा है, गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी 1 बज रहे हैं। और मैं अभी क्या निकाल रही थी, मैं निकाल रही थी अपनी साड़ी, क्योंकि अब आने वाला है करवा चौथ। आज कौन सी डेट है, 28 तारीख है, 28 अक्टूबर हो गया है और 4 तारीख की करवा चौथ है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी साड़ी निकाल लेती हूँ, आप लोग को मैं दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ। वैसे रिवील तो मैं तभी करूँगी करवा चौथ वाले दिन ही कि मैं क्या पहनूंगी, लेकिन साड़ी पहनूंगी और कौन सी पहनूंगी क्या है वो मैं आपको पूरी तो नहीं दिखाऊंगी, वरना फिर सस्पेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं खुद भी एक्चुअली अभी निकाल रही थी साड़ी, ये मेरी शादी की ही साड़ी है, पूरी नहीं दिखाऊंगी वरना फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है। ऐसे करके दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये है साड़ी और ये है ब्लाउज, तो ये मैं पहनने वाली हूँ करवा चौथ में। वो बस मैंने सोचा चलो निकाल लेती हूँ साड़ी, इसका ब्लाउज जो है ये भी मेरी शादी के टाइम का ही है, तो थोड़ा सा हो सकता है इसको अनस्टिच करना हो या सेट फिट विट करना हो, वो सब मैं देख लूंगी। तो अभी से मैंने इसको निकाल लिया है और इसका पेटीकोट नहीं रखा है यहाँ पे, इसका पेटीकोट शायद मेरठ में होगा, ससुराल में मेरे रखा होगा, तो ये यहीं पे है, बट मैंने कहा चलो इसको देख लेती हूँ। और ज्वेलरी व्लरी का क्या है, वो तो सब गोल्ड वोल्ड की पहन ली जाएगी। लास्ट टाइम मैंने मुंबई में थी मैं, तो मैंने वहाँ पे कुछ झुमके उमके खरीदे थे, जा करके शॉपिंग की थी करवा चौथ की, वो सब तो नहीं खरीदूंगी। हाँ, थोड़ा बहुत जो सामान लेना है उसके लिए मुझे मार्केट जाना है, तो मम्मी के साथ एक दिन हम लोग अभी निकलेंगे कल परसों में, देखिए कब निकलते हैं, वो भी मैं शेयर करूंगी। और अब की मैं सोच रही हूँ, बहुत दिन हो गए, 6-7 महीने हो गए, आईब्रो नहीं बनवाई है मैंने बाहर, घर पर ही ठीक करवा ले रही थी अभी तक मम्मी से, तो मैं सोच रही हूँ इस बार जब बाहर जाएंगे तो फिर ब्राइटनेस था, तो इस बार जब बाहर जाएंगे तो सोच रही हूँ मैं करवा लूंगी। और पेडीक्योर तो मैंने कल ही कर लिया था, बाकी फेशियल वेशियल तो मैं घर पर ही कर लूंगी खुद से, और मेहंदी लगाऊंगी। आप लोग बताइएगा कौन से डिज़ाइन आप लोग लगा रहे हो, अगर कोई बहुत अच्छी डिज़ाइन है तो आप मुझे इंस्टा पे भेज सकते हैं फोटो, इंस्टा आईडी है इंडियन ब्लॉगर बुलबुल, तो आप चाहिएगा तो मुझे सुंदर सी कोई डिज़ाइन भेजिएगा जो मैं अपने हाथों पर लगाऊंगी। तो साड़ी तो मेरी डिसाइड है कि मैं साड़ी ही पहनूंगी, सूट वूट नहीं पहनूंगी। और आप लोग बताइए आप लोग क्या पहन रहे हैं, क्या पहनने वाले हैं, मुझे कॉमेंट करके बताइएगा।
तो यही है कि मैं साड़ी पहनूंगी। अच्छा, लहंगा है, मेरी शादी का लहंगा भी है, बट वो यहाँ नहीं है। मैंने सोचा था मैं हर करवा चौथ मतलब लहंगा पहना करूंगी, लेकिन लहंगा यहाँ पे नहीं है और कहीं भी नहीं हो पाता है। मतलब कभी मुंबई में होती हूँ या कभी शिप पे होती हूँ, तो हमेशा एक साथ कैरी तो नहीं कर सकते हम लोग इतना सारा सामान। लहंगा तो काफी हैवी होता है साथ शादी वाला। तो वैसे मैंने सोचा ये था कि हमेशा करवा चौथ में शादी का लहंगा पहनेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। पहली शादी, पहला जो करवा चौथ था मेरा, हाँ वो मैंने उसमें शादी वाला लहंगा ही पहना था। उसके बाद एक बार और पहना है शादी का लहंगा मैंने, हाँ एक बार और करवा चौथ पे पहना है, बाकी तो हो ही नहीं पाता कभी भी। तो अभी लेकिन ये है कि ये साड़ी भी मेरी शादी की ही है, काफी हैवी साड़ी है, तो इसको आप लोग करवा चौथ वाले दिन देखिएगा। और मेरा करवा चौथ का व्लॉग आप लोग लास्ट ईयर वाले व्लॉग को बहुत पसंद किए थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर किसी ने नहीं देखा है जो ये व्लॉग देख रहा है, तो वो व्लॉग जरूर देखिएगा, वो बहुत अच्छा व्लॉग है, सबने पसंद किया है, आपको भी पसंद आएगा। साड़ी तो रख दी है क्योंकि साड़ी बिल्कुल ठीक थी, मैंने चेक कर लिया है, और लेकिन जो ब्लाउज है वो थोड़ा सा फिट नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मैं उसको फिट कर लेती हूँ। वही मैंने यहाँ पे निडल बॉक्स निकाला है, और मम्मी अभी किचन में खाना बना रही हैं। आज मम्मी ने बनाया है कढ़ी चावल रोटी सब्जी, तो बस मम्मी खाना बना रही थी और पीहू भी अपना कुछ कुछ खेल रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। और अभी तो पीहू की बहुत मस्ती बढ़ गई है, वो यहाँ पर रह करके उसको बड़ा मज़ा आता है, और मतलब बच्चे तो नानी के घर में रहते हैं तो उनको तो बस एकदम जैसे फ्रीडम मिल जाए जाती है, वही है। कभी पीयू ऊपर चली जाती हैं, कभी नीचे चली जाती हैं, तो वो अपना आराम से यहाँ खेलती रहती है, मेरे पीछे नहीं रहती, वरना मुंबई में तो हमेशा वो मेरे पीछे पीछे ही लगी रहती थी। बच्चे भी क्या करें, आखिर उनको भी तो बोर होता ही है, कहीं आना जाना है नहीं, अभी उसके फ्रेंड्स भी नहीं है यहाँ पे, तो वो यहीं पे आराम से सबके साथ खेलती रहती है। और यहाँ पे मेरा जो वो ब्लाउज़ है, मैं उसको ठीक कर ले रही हूँ, और कैसा होगा इसका पूरा आउटलुक कैसा आएगा वो तो आपको मेरे करवा चौथ व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। तो बस मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है करवा चौथ की, और साड़ी पहनने वाली हूँ, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी यहाँ शाम हो गई है और बन रही है यहाँ पे शाम की चाय, तो मैं और मम्मी अपने लिए दो लोग के लिए ही चाय बना रही हूँ। और इधर मैंने काटा है पीहू के लिए एप्पल, तो मैं जा रही हूँ पीहू को एप्पल देने, क्योंकि पीहू अपनी नानी के पास ऊपर है, मतलब मेरी बड़ी आंटी के पास है, तो वही मैंने कट किया है और मैं जा रही हूँ ऊपर इसको देने के लिए। पकड़िए, मैंने बहुत मेहनत करी है जीजू, आप पागल हो जाओगे देख के। खा लोगी ना? हाँ। थोड़ा ठंडा है, 5 मिनट नॉर्मल हो जाने दो, ठीक है? अभी रख दीजिए, यहीं पे रख लीजिए, अपने पास रखिए। नहीं देखो, अरे बहुत। तो पीहू बैठी है अपनी नानी के पास और मैंने उसको एप्पल कट करके दिया है, अभी चाय चढ़ी हुई है।
तो चाय हमारी बन रही है और मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। मैंने आपको बोला था ना सुबह की हम लोगों को मार्केट जाना है, तो बस जस्ट ऐसे ही प्लान बन गया कि चलिए मार्केट हो आती हूँ। तो मैंने ये कुर्ती पहनी है, बट ये मुझे थोड़ा सा लूज़ लग रही थी, तो फिर मैं ट्राई करके देख रही थी कि ये पहन के जाऊँ या फिर कुछ और पहन लेती हूँ। फिर मैंने अभी तो मैं यही पहने हूँ, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं मेरे को दूसरा पहनना है, फिर मैंने बाद में चेंज कर लिया है। तो चलिए चाय पी लेती हूँ। बस हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी ली है और यहाँ मैंने चेंज भी कर लिया है, अपना ब्लैक कुर्ता पहन लिया है जो कि फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। मैंने आपको अपना हॉल दिखाया था ना, उसी में से ये सूट है। और बस मैं रेडी हो गई हूँ, तो अब मैं कुछ वॉशरूम में हैंड वॉश शायद करने गई थी और वही है। और पीहू अभी भी अपनी नानी के पास ही है ऊपर, और उसको मैंने एप्पल और साथ में मैंने दूध भी दे दिया है, मिल्क, क्योंकि मैं उसको लेके नहीं जा रही हूँ, इसीलिए वो आराम से घर पे रह लेगी। नाश्ता मैंने उसको करा दिया है, जब तक हम लोग आएंगे 1.5-2 घंटे में वो आराम से यहाँ पर रह लेगी। और उसको अच्छा लगता है यहाँ पर घर पर रहना, बच्चे भी हैं, मतलब उसकी मासी और मामा लोग भी हैं और आंटी जी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और इधर मैं लगा रही हूँ आईलाइनर, हल्का सा लाइनर लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं। आज मैंने हेयर वॉश किया था इसलिए बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम स्ट्रेट। तो बस हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और इस व्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर देती हूँ। ये व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया था और अब मैं यहाँ पे एक अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ बाहर शॉपिंग का। चलिए मिलती हूँ कल, बाय बाय।